राधे राधे, प्राण धन राधा माधव लाल जी के सुखार्थ आज हम जानेंगे कि गणगौर उत्सव हुए उसको क्या भाव हुए, वो श्री जी में कैसे मनाया जाए, उसकी पुष्टि में रीत सरीका क्या है। सर्वप्रथम तो कल परसों में नववर्ष आने वालों है, परसों में, तो वहाँ के लिए जो उस वीडियो के लिए जो डिस्क्रिप्शन है नववर्ष का, वो मैं अपने इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा वो लिंक, तो आप वहाँ से वो वीडियो देख सको कि नववर्ष में श्री ठाकुर जी को कैसे भाव करे, कैसे श्रृंगार करे, कैसी सेवा प्रणाली का हुए। तो आए आज प्रारंभ करें गणगौर को भाव। तो प्राय जो आप ये चित्र देख रहे हो, ये मोती महल में जो प्रथम गणगौर हुए, जिसे चुंदड़ी गणगौर कहे, वहां को है। तो आइए प्रवेश करते हैं। तो जो चैत्र के शुक्ल के तीज हुए, वहां से गणगौर को उत्सव प्रारंभ हुए अपने पुष्टि में, जो कि 4 दिवस तक चले। वैसे तो राजस्थान इत्यादि जगह में जो गणगौर को उत्सव हुए वो होली के दूसरे दिन से प्रारंभ हो जाए, पर अपने पुष्टि में प्रायः करके 4 दिवस की मानी गई है, जो प्रथम चुंदड़ी, द्वितीय हरी, तृतीय गुलाबी और चतुर्थी कजली, लेकिन वह दिन यदुनाथ जी को उत्सव हुए, यानी केसरी करके, ये 4 मानी गई है। तो प्रथम चुंदड़ी, तो ये श्री जी में यो पर्व पूरे धूमधाम से मनाया जाए, और आज के दिन जो चुंदड़ी गणगौर है, वहाँ दिन श्री जी को चुंदड़ी के वह लहरिया के वस्त्र धराए जाने प्रारंभ होते हैं। मैंने पहले भी बताया था, अपने यहाँ हर समय ऐच्छिक नहीं होता। एक ठंड के अंदर एक समय आया जब चुंदड़ी बंद हुई, और अब फिर प्रायः चुंदड़ी श्री ठाकुर जी को धराई जाएगी। और अतः आज श्री जी को लाल चुंदड़ी के खुले बन, देखिए आप देख सकते हैं, चाकदार वागा वस्त्र धराए जाएंगे। और जिस दिन चुंदड़ी हुए, उस दिन विशेष रूप से श्री जी को चिरौंजी या जिस चारोली भी कहें, वहाँ के लड्डू श्री ठाकुर जी को अरोगाए जाते हैं। ये केवल वर्ष में 5 बार अरोगाए जाते हैं, 5 बार अरोगाए जाते हैं। और ये जो पहले की 3 गणगौर हैं, चुंदड़ी, हरी और गुलाबी, इनमें अनुसर में श्री जी को सूखे मावे, बादाम, पिस्ता, काजू, किशमिश, चिरौंजी आदि खसखस, मिश्री की मिठाई के खिलौने, खासा भंडार में सिद्ध मेवा मिश्री के लड्डू, माखन मिश्री आदि से सुसज्जित थाल अरोगाया जाता है। आज का दिन का जो कीर्तन है वो तो वही है, कुंवर बैठे प्यारी के संग अंग अंग भारे रंग। साज में श्री जी को लाल रंग की चौफुली चुंदड़ी की रुपैली जरी की तुई लेस की किनारी के हंसियों से सुसज्जित पिछुआई धराई जाती है। ठाड़े वस्त्र सुवा पंखी या तोते के रंग के हरे रंग के धराए जाते हैं। श्री जी को श्रृंगार में श्री जी को छोटा कमर तक श्रृंगार धराया जाता है, और छेड़न के हीरा मोती तथा सोने के सर्व आभरण धराए जाते हैं। श्री मस्तक पे लाल रंग की चौफुली चुंदड़ी के छज्जेदार पाग आए, और उसके ऊपर सिरपेच, लूम थुर्रा, रुपैली, डांस का नाग फणी ये आए, और जमाओं का कतरा एवं बाई और शीश फूल धराए जाते हैं। श्री कर्ण में कर्ण फूल धराए जाते हैं। चैत्री गुलाब के पुष्पों की 2 सुंदर श्री माला जी धराई जाती है। श्री हस्त में पुष्प छड़ी हीरा के वेणु जी एवं वेत्री जी धराए जाते हैं। पट लाल व गोटी मीणा की चुंदड़ी भात की आती है। और विशेष आज की जो प्रथम चुंदड़ी है, प्रथम गणगौर है, ये श्री स्वामिनी जी के भाव से होती है। यूं करके प्रथम दिवस गणगौर को है। द्वितीय है हरी गणगौर। ये हरी गणगौर श्री चंद्रावली जी के भाव से आती है। इसमें नियम के पंचरंगी लहरियों के वस्त्र श्री ठाकुर जी
अंगीकार करते हैं, परंतु इसमें जो श्री मस्तक होता है वो ऐच्छिक होता है, ये भाव से है। और इसमें कीर्तन वही, बैठे हरि राधा संग कुंज भवन अपने रंग, साज में श्री जी में एक और श्री कृष्ण एवं दूसरी और बलराम जी के साथ घूमर नृत्य करती ब्रज लालनाएं गोपियां और गणगौर के सुंदर चित्रांकन वाली पिछवाई धराई जाती है। गादी तकिया चरण चौकी पर सफेद बिछावट आती है। वस्त्र आज श्री जी को पर मैंने बताया, लहरिया आता है पचरंगी का सूथन, चोली खुले बंद के चाकदार वागा धराया जाता है। सभी वस्त्र रुपैरी जरी की तुई की लेस से सुसज्जित होते हैं। ठाड़े वस्त्र सफेद डोरिया के धराए जाते हैं। श्रृंगार फिर प्रभु को छोटा कमर तक ही हल्का श्रृंगार आता है, और जो माला जी हुए वे गुलाबी एवं पीले पुष्पों की दो माला जी धराई जाती हैं। अब जो तृतीय गणगौर है, तृतीय आए श्री जी को गुलाबी गणगौर। ये गुलाबी गणगौर श्री यमुना जी के श्री ललिता जी के भाव से हैं, ललिता जी के भाव की है। और आज सारे वस्त्र इत्यादि सब गुलाबी हुए। यद्यपि श्री मस्तक पे धराए जाने वाले श्रृंगार ऐच्छिक हैं, फिर भी ऐसो हुए कि प्राय गुलाबी को ही हीरा में पन्ना में धराया जाए, और ये करके हुए। और श्री जी के अंदर आज को जो साज है वो गुलाबी रंग की मलमल की सुनहरी जरी की तुई वाली हसिया से सुसज्जित बिछवाई धराई जाती है। गारी तकिया चरण चौकी पर सफेद बिछावट की जाती है, ये यहाँ में चित्र में नहीं है पर सफेद बिछावट की जाती है। और आज श्री जी को गुलाबी मलमल का सूथन चोली घेरदार वागा धराया जाता है। और आज प्रभु को वापस छोटा कमर तक श्रृंगार में और चित्र गुलाब की दो माला जी धराई जाए, ऐसा करके हम। और फिर आए चतुर्थ, तो ये जो चौथो है ये चौथे कजली गणगौर कहे, ये श्री यमुना जी के भाव से आए। और श्री जी में ये केसरी रंग की आती है, इसलिए केसरी गणगौर भी कहे। और ये श्री जी के निज घर की गणगौर भी कही जाए कई बार। और ये तो, और आज कजली काली की जगह केसरी इसलिए आए क्योंकि आज ही के दिन श्री यदुनाथ जी को उत्सव भी हुए, तो या लिए उत्सव होने के कारण यहाँ में कजली की जगह केसरी कर दी जाए। और इसके इसमें जो कीर्तन हुए वो यही आए, सेवक की सुख राशि सदा श्री वल्लभ राजकुमार, आश्रय के भाव से पद गाए, फिर बधाई आए। और साज में आज श्री जी में चंपाई रंग की मलमल की रुपैली तुई लेस की किनरी की हंसियों से सुसज्जित पिछवाई धराई जाती है। पीठिका के ऊपर कमल का काम किया हुआ है। गादी तकिया चरण चौकी पर सफेद बिछावट आती है। वस्त्र आज श्री जी को अमरसी रंग की मलमल का वो आए, सूथन चोली तथा खुले बंद के चाकदार वागा एवं चोली धराई जाती है। सभी वस्त्र रुपैली जरी की तुई से लेस होते हैं। और श्रृंगार में प्रभु को आज हल्का नहीं आए, आज बड़ो श्रृंगार आए। और कंठ में दो श्री चित्र गुलाब की माला जी आए। यहाँ में सब श्रृंगार उत्सव होने के कारण फूल झड़ी सब श्रृंगार सब बड़ो आए, सब श्रृंगार हीरे मोती पन्ने यहाँ को आए। तो यहाँ करके ये चार गणगौर को उत्सव हुए। और यही के साथ राधा माधव अर्घ्य मस्तु, राधे राधे।